नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर आज मैं आपके लिए 2020 का सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टें फैक्ट्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लेके आया हूं फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है तो इस वीडियो को पूरा देखें यह टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट से वट इज द न्यू नेम ऑफ एम एच मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्सेज तो इसका नया नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नाइनटीन से नाइनटीन तक हमारे एम का नाम था मिनिस्ट्री ऑफ़ एजुकेशन 1986 में मिनिस्ट्री ऑफ़ एजुकेशन से नाम चेंज करके एम रखा गया जो 2020 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसमें एम का नेम चेंज करके दोबारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रखा गया नेक्स्ट पॉइंट विच वर टू अर्लियर एजुकेशन पॉलिसीज़ तो फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी आई थी हमारी 1968 में उस समय हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे श्रीमती इंदिरा गांधी सेकंड एजुकेशन पॉलिसी 1986 उस समय हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे राजीव गांधी करंट एम एच मिनिस्टर हमारे करंट एम एच मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक और इनसे पहले जो हमारे एम एच मिनिस्टर थे वो थे डॉक्टर प्रकाश जावेडकर नेक्स्ट पॉइंट द करंट टेन प्लस टू प्लस थ्री सिस्टम इज रिप्लेस्ड बाय फाइव प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस फोर सिस्टम और जो हमारा टेन प्लस टू प्लस थ्री सिस्टम था ये रिलेटेड था हमारा एजुकेशन पॉलिसी नाइनटीन एटी सिक्स से इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम हु गिवस द आइडिया फॉर टेन प्लस टू प्लस थ्री एजुकेशन सिस्टम तो जो टेन प्लस टू प्लस थ्री सिस्टम था एजुकेशन हमारा उसमें जो ये आइडिया दिया था टेन प्लस टू प्लस थ्री सिस्टम का यह दिया था डॉक्टर जाकिर हुसैन ने नैक्स्ट पॉइंट वट इज़ द मेन एम ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी टू थाउजेंड ट्वेंटी तो जो हमारी दो हजार बीस की न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसका एम है इंडिया ए ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी हाउ मैनी परसेंट ऑफ जी डी पी प्रपोजल टू एजुकेशन तो ये प्रपोजल किया है सिक्स परसेंट सिक्सा पे खर्च कितना हो बजट का छठवां हिस्सा हो अब हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमारी जो जी डी पी है उसका सिक्स परसेंट एक्सपेंडिचर किया जाएगा हमारे एजुकेशन सिस्टम में और बात करें कि अभी कितना परसेंट यूज़ किया जाता था जी डी पी का तो अभी थ्री टू फोर परसेंट ही यूज़ किया जाता था एट्थ विच लैंग्वेज इज चूजन एज ए मेन स्ट्रीम लैंग्वेज इन हायर एजुकेशन तो संस्कृत इज चूजन एज ए मेन स्ट्रीम लैंग्वेज इन हायर एजुकेशन मदर टंग एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टिल क्लास तो जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेगा वो क्लास फिफ्थ तक रहेगा मदर टंग का जिससे कि जो बच्चों के कॉन्सेप्ट हैं वो उनको अच्छे से क्लियर हो पाए एजुकेशन ऑफ कोडिंग इट्स रिलेटेड टू कंप्यूटर कोर्स एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इंटीग्रेशन स्टार्टेड फ्रॉम क्लास तो ये स्टार्ट किए जाएंगे क्लास सिक्स से एजुकेशन ऑफ कोडिंग ये रिलेटेड हमारे कंप्यूटर कोर्स से और वोकेशनल ट्रेनिंग इंटीग्रेशन वोकेशनल कोर्सेज में आते हैं हमारे फैशन डिजाइनिंग ब्यूटी पार्लर और ऑटोमोबाइल्स एट्सेट्रा तो ये कोर्सेज स्टार्ट किए जाएंगे अब क्लास सिक्स से नेक्स्ट ए आई सी टी ई ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एन सी टी ई नेशनल काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड यू जी सी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन आर मर्ज एज एगल रेगुलेटरी सिस्टम इन तीनों को मर्ज किया जाएगा एक सिंगल रेगुलेटरी सिस्टम में नेक्स्ट विच एजेंसी विल गोइंग टू टेक ऑल कॉलेज यूनिवर्सिटी एंट्रांस एग्ज़ाम्स तो हमारे जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटी का एंट्रांस एग्जाम हैं वो अब कंडक्ट कराएगा हमारा एन टी ए नैशनल टेस्ट एजेंसी ये इम्प्लीमेंट होगा नेक्स्ट सेशन से क्योंकि अभी के जो हमारे एग्जाम है एंट्रेंस एग्जाम वो मैक्सिमम हो चुके हैं और कुछ होने को बाकी हैं तो ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा तो 2021-22 नेक्स्ट एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट विल बी सेटअप टू मेक इट इजियर टू ट्रांसफर बिटवीन इंस्टीट्यूशन अब एक इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूशन को क्रेडिट ट्रांसफर करने के लिए अकेडमिक बैंक का एस्टेब्लिश किया जाएगा राइट टू एजुकेशन एक्सटेंडेड अप टू सेकेंडरी लेवल राइट टू एजुकेशन आया था हमारा 2009 में अमेंडमेंट थी एटी सिक्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर सिक्स टू फोर्टीन ईयर्स स्टूडेंट्स तो ये अब इंप्लीमेंट और एक्सटेंडेड किया जाएगा हमारे सेकेंडरी लेवल तक नेक्स्ट पॉइंट हु पी एम एट टाइम ऑफ फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी हमारी फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी आई थी नाइनटीन सिक्सटी एट उस समय हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे श्रीमती इंदिरा गांधी नेक्स्ट हु वाज़ द पीएम एट द टाइम ऑफ सेकंड एजुकेशन पॉलिसी तो हमारी जो सेकंड एजुकेशन पॉलिसी थी वो आई थी 1986 और उस समय हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे राजीव गांधी नेक्स्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी which कमीशन रिकमेंडेड 6% expenditure एक्सपेंडिचर ऑफ in education system, इन एजुकेशन सिस्टम तो ये किया था हमारे रिकमेंड कोठारी कमीशन ने कोठारी कमीशन ने बोला था शिक्षा पे खर्च कितना हो बजट का छठवां हिस्सा हो अगर हम अपने बजट का अपने जीडीपी का 6% परसेंट खर्च करते हैं एजुकेशन सिस्टम पे तो इससे क्या होगा हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी तो ये रिकमेंड किया था हमारे कोठारी कमीशन ने इसके चेयरमैन थे दौलत कोठारी नेक्स्ट हुई ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ एन कमेटी टू थाउजेंड ट्वेंटी तो जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है दो हजार बीस की इसकी जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन रंगन. रंगन कमेटी जब ये एजुकेशन पॉलिसी बनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी टू थाउजेंड ट्वेंटी कस्तूरी रंगन की चेयरमैनशिप में तो इसमें जो नौ लोग शामिल थे नेक्स्ट हाउ मैनी एन ई पी हैज कम टिल टू थाउजेंड ट्वेंटी तो हमारे दो हजार बीस तक तीन एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी हैं नाइनटीन सिक्सटी एट नाइनटीन सिक्सटी एट उस समय हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो इंदिरा गांधी नाइन्टीन एटी सिक्स राजीव गांधी और टू थाउजेंड ट्वेंटी नरेंद्र दामोदर दास मोदी नेक्स्ट न्यू न्यू एजुकेशन पॉलिसी टू थाउजेंड ट्वेंटी हैज़ रिप्लेसड विच एन ई पी तो जो हमारे दो हज़ार बीस एजुकेशन पॉलिसी है इसने रिप्लेस किया है नाइनटीन एटी सिक्स इसने रिप्लेस किया है टेन प्लस टू प्लस थ्री सिस्टम को जब अब सिस्टम आया हुआ आया है फाइव प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस फोर नेक्स्ट नेशनल लिटरेसी मिशन वॉज लॉन्च इन विच ईयर तो नेशनल लिटरेसी मिशन लॉन्च किया था नाइनटीन एटी एट में एक्सपेंड एन एच ई आर ए एन एच ई आर ए मीन्स नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी नेक्स्ट एन आर एफ स्टैंड फॉर तो एन आर एफ स्टैंड फॉर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन क्या था हमारे बच्चे जो बी एस सी एम एस सी कर रहे थे उनके लिए जो रिसर्च के लिए अब पैसा प्रोवाइड करवाएगा हमारा एन आर एफ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो बच्चों के इंटर्नशिप और जितने भी रिसर्च ओरिएटेड कोर्सेस हैं तो उनको उनका फाउंडेशन करेगा हमारा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जितने भी उनके लिए जो पैसा होगा वो प्रोवाइड करवाएगा हमारा एनआरएफ नेक्स्ट परख परख मीन्स परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस नॉलेज ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट अब क्या करेगा परख गाइडलाइन जारी करेगा स्टेट गवर्नमेंट को इवेल्युएशन के लिए इवेलुएशन असेसमेंट के लिए नेक्स्ट इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी विच कोर्स इज डिलीटेड तो जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें जो कोर्स डिलीट किया है वो किया है एम का कोर्स डिलीट कर दिया है अब पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट पी कर सकते हैं तो मतलब जो हमारा एम का कोर्स था वो डिलीट कर दिया है थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग